दोस्तों चलिए जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल कैसे बने थे और इसे समुद्र से कैसे निकाला जाता है। आज से लाखों हजारों साल पहले अलग अलग प्रकार के धरती पर डिजास्टर हुए थे, जिससे जीव जंतु पेड़ पौधे भारी मात्रा में मारे गए थे और फिर वही जमीन के नीचे जाकर दब गए। और हजारों साल के हीट और प्रेशर के वजह से यही जीव जंतु क्रूड ऑयल में बदल गए और यही क्रूड ऑयल धरती पर अलग अलग जगह पर जैसे कि रेगिस्तान समुद्र में पाए जाते हैं, जिसे ढूंढने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं। समुद्र के नीचे से ऑयल निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनर लगाया जाता है, फिर हजारों फीट नीचे ड्रिलिंग करके पाइप के जरिए कच्चे तेल को निकाला जाता है, फिर बड़े कंटेनर में ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और अलग अलग टेम्परेचर से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, हैवी ऑयल को निकाला जाता है।